तो गाइज आज मैं आज जा रहा हूँ धौरखुआ के हनुमान जी मंदिर, वहाँ पे दर्शन करने जा रहा हूँ। तो फिर आज दिखा रहा हूँ आपको अपनी इस जर्नी को, शुभ यात्रा को, कि कितने टाइम कहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हनुमान जी मंदिर के दर्शन। तो चलिए बने रहे इस वीडियो पे दिवाकर ब्लॉग। तो हाय गाइज, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो गाइज मैं अब पहुँच चुका हूँ धौरखुआ के मंदिर, तो फिर चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर। भाई आप क्या नाम है दोस्त? तो रवि शंकर भी है मेरे साथ। तो चलिए मैं अब दिखा रहा हूँ आपको हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर में फर्स्ट मंदिर चल रहे हैं अपन, यहाँ बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंदिर में चलते हैं, यहाँ लोग बहुत सारे आते हैं। भगवान को तेरा तुझको अर्पण, बस इसीलिए सब रखे साथ, बस चले होता है। बेदी बनी हुई है, ये भी बहुत पुरानी शंकर जी की मंदिर है। कम से कम 400 वर्ष पहले की बनी हुई मंदिर है। विराट विराट मंदिर है यहाँ। यह मंदिर 400 पूर्व पहले बनाई गई थी, अभी भी उसी तरह है। ये भी शिव मंदिर है। ये संत कुटी, यहाँ पे संतों का खाना रहता है और दो गक्कड़ वक्कड़ बना के खाते हैं। तो यहीं पे बैठते बैठने का ये है, ये देखो हुक्का भी रखा हुआ है। यहाँ पे वाटर, इसमें पानी नहीं, ये भी है। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, श्रद्धालु बहुत सारे आते हैं। अच्छा, इसके नीचे गुफा, इसके अंदर एक ये अच्छी बात है ना, व्यवस्था नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे पंडा बाबा हमारे विश्वकर्मा जी हैं। तो आपका क्या नाम पड़ता है? सुन, सरवन प्रसाद विश्वकर्मा। सरवन प्रसाद विश्वकर्मा जी यहाँ पे तीन पीढ़ी से हम लोग रहते चले आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे पंडाल बना हुआ है, यहाँ पे मंदिर है एक, जय श्री राम। यहाँ है अपने, ये यहाँ पे नारियल आरियल फोड़ी जाती है। इसके बाद यहाँ पे लेटे हुए हमारे महाराज जी हैं। यहाँ के बारे में कुछ बताइए फिर। यहाँ तो हो गया बरसात में मेला लगता, बड़ी एक वहाँ यहाँ बहुत अरमान लेके आते हैं, बहुत काफी लोग।
चलिए, तो यहाँ जो कोई अपनी मनोकामना लेके आता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, और यहाँ बहुत ही अच्छा, बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं। कम से कम एक दिन में कितने, मंगलवार को कितने लोग आते हैं यहाँ पे? 2000 से तो कम कभी नहीं आते। तो मंगलवार को 2000 लोग यहाँ पे आते हैं। तो मान लीजिए ऐसे ही यहाँ भीड़ होती है, आज बरसात होने के कारण यहाँ पे श्रद्धालु कम है, बाकी यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। और यहाँ जिसको भी आना हो तो बहुत ही अच्छा स्थल है, आइए और यहाँ विजिट करें। भगवान की आरती होती है शाम के भी, साथ में भगवान की आरती होती है, संगीत में भी है, सबकी अरमान पूरी होती है। यहाँ भी जो भी अपने अरमान लेके आते हैं तो पूरी होती हैं। तो यहाँ हमारे बजरंगी भगवान हैं, लेटे हुए हनुमान जी। यहाँ पे पंडाल बना है, तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए बना है, भंडारे करने के लिए जिसको करना हो। तो ये अपनी कार खड़ी, ये मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है।